नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज मूड मीटर में एक बड़ा खुलासा, ऑपरेशन ब्लैक डॉलर। आम आदमी पार्टी को लेकर खुलासे की सीरीज में ऑपरेशन शीश महल और ऑपरेशन कॉकटेल के बाद आज बारी है ऑपरेशन ब्लैक डॉलर की। आज हम आम आदमी पार्टी को विदेश से हुई फंडिंग में एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ 16 मिलियन डॉलर यानी करीब 143 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग में एनआईए की जांच की सिफारिश हो चुकी है। ये बात आप तो जानते ही, ये बात आपको पता है, लेकिन आज इस कड़ी में हम एक बहुत सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से जो गृह मंत्रालय को डोजियर भेजा गया है उसमें आम आदमी पार्टी को विदेशों से जो फंडिंग हुई है उसमें बड़ा घालमेल, बड़ा घपला सामने आया है। ये पूरा डोजियर नवभारत के पास है, ये पूरा डोजियर हमारे पास है और इसकी पूरी डिटेल, एक एक डिटेल हमारे पास है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस डोजियर में क्या कुछ लिखा गया है और कैसे ये आम आदमी पार्टी के इस विदेशी फंडिंग के पूरे खेल का पर्दाफाश करती है। असल में हम इसकी एक झलक दिखा भी चुके हैं और सिर्फ हमने बानगी भर दिखाई थी कि आम आदमी पार्टी इस कदर बौखला गई है कि वो एक बार फिर से गुंडागर्दी पर उतर आई। हमारी संवाददाता आकांक्षा खजूरिया के साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बदसलूकी की गई, रिपोर्टर पर हमला किया गया, हमारा कैमरा तोड़ दिया गया, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट पर हमला किया गया। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब जब हमने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पोल खोली है तब तब वो हमारे खिलाफ हमलावर होते रहे। हम आपको एक नहीं बल्कि ऐसी तीन तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तो आज की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके पहले की हम तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहते हैं। जरा ये देखिए, तस्वीर भावना किशोर की है, जब हमने ऑपरेशन शीश महल दिखाया था जिसमें केजरीवाल के 45 करोड़ के बंगले का खुलासा किया था, तब भी केजरीवाल की पार्टी इसी तरीके से टाइम्स नाउ नव भारत को टारगेट किया था उन्होंने। हमारी रिपोर्टर भावना किशोर को फर्जी मुकदमे में पंजाब में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। केजरीवाल के शीश महल के सामने हमारे सहयोगी रिपोर्टिंग कर रहे थे राकेश पांडे, उन पर हमला किया गया था, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आकांक्षा के साथ बदसलूकी की गई। ये तीनों तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने हमारे हर सवाल के जवाब में हिंसा को हथियार बनाया, हमें डरा धमका कर चुप कराने की कोशिश की है। लेकिन न हम पहले खामोश हुए थे और न आगे होंगे। आम आदमी पार्टी के पाखंड और उसके दोहरे चरित्र को जैसे पहले हमने उसका पर्दाफाश किया था वैसे आगे भी करते रहे। हमारे साथ अभी हमारे संवाददाता जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने हैं वो मौजूद हैं। हम एक बार उनका रुख करेंगे और पूछते हैं जरा कि क्या क्या, किस तरीके से वहां उनके साथ बदसलूकी हुई, किस सवाल के जवाब में इस कदर बौखला गए कि उन्होंने इनके हमारे रिपोर्टर के साथ इस तरीके से बदसलूकी की, हाथापाई की। अनुज, क्या अपडेट है इस मामले में? और पुलिस को भी बुलाया गया वहां पे, पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की? जी देखिए, पुलिस अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद जिस तरीके से हमारी संवाददाता आकांक्षा जो है जब इस खबर को हम दिखा रहे थे हम बता रहे थे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा है, विदेशी फंडिंग का जो आरोप लगा है उसको लेकर आकांक्षा जो है वो यहाँ पर पहुंची, इसी दफ्तर का वो दरवाजा जो है वो खुलवा रही थी और जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है उनके ऊपर, उनके कैमरा मैन के ऊपर हमला शुरू हो जाता है, कैमरा के कैमरे को तोड़ दिया जाता है और कहीं न कहीं आकांक्षा के साथ भी बदसलूकी की जाती है, जिसके बाद फौरन पीसीआर कॉल किया जाता है। पुलिस की टीम अभी भी यहां पर मौजूद है क्योंकि लगातार हम ये सवाल खड़े कर रहे थे, हम पुलिस से ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर पुलिस यहां से चली जाती है तो जो हमलावर है उन्हें कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं यहां से निकलने का मौका मिल जाएगा। इसी वजह से हमने ये पुलिस से गुजारिश की है कि जब तक हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जब तक हम शिकायत और मेडिकल की प्रक्रिया पूरी करवा रहे हैं तब तक कम से कम पुलिस की एक टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे ताकि
जो हमलावर है उन्हें यहाँ से निकलने का मौका न मिले। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है नवभारत ने, इससे पहले भी जब जब सवाल पूछा, जब पहली बार नहीं हुआ है, जब जब हमने आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश किया, जब जब हमने कोई सवाल पूछा, उन्होंने हर सवाल के जवाब में डंडा उठाया है, उन्होंने हर सवाल के जवाब में थप्पड़ चलाया है, उन्होंने हर सवाल के जवाब में हमें जेल का डर दिखाया है। हमारे साथ पुलकित भी हैं। पुलकित भाई, अगर ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को किसी सवाल का जवाब नहीं देना है तो वहां पर बोर्ड लगा दे कि टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर और उनके कैमरामैन और उनके संवाददाताओं की यहां आने की जरूरत नहीं है, उनका प्रवेश निषेध है। लेकिन इस तरीके से हर बार हमारे ऊपर हमला करना, हर बार हिंसा को हथियार के रूप में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना, ये कौन सी पॉलिसी है आम आदमी पार्टी? देखिए, जाहिर तौर पर भावना के केस में भी ये सवाल उठे थे और कोर्ट से हमें बड़ी राहत मिली थी कि किस तरीके से भावना का केस पूरी तरीके से गलत पाया गया था। और अब आकांक्षा की अगर हम बात करें तो इसी गेट से जब वो अंदर जा रही थी तो अंदर सीधा एक पॉज बना हुआ है जहां पर तमाम बड़े जो अधिकारी आम आदमी पार्टी के बैठते हैं उनका दफ्तर है, उसके ठीक सामने की ये घटना बताई जा रही है। जब हमारे रिपोर्टर को वहां से धक्का मारा गया और कैमरा तोड़ दिया गया, कैमरा टूटे हुए की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बैन वाला फॉर्मूला कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी मीडिया पर चला सकती है? अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो इसमें आप बैन कैसे लगा सकते हैं? और यही वजह है कि अगर हम पिछले 6 से 7 महीने की बात करें तो एक लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी ने टाइम्स नाउ नवभारत को बैन किया हुआ है। और ये सवाल पूछना, माइक लगाना और या फिर उनके प्रोग्राम के अंदर माइक लेकर जाना टाइम्स नाउ नवभारत को अलाउड नहीं है। और ये सवाल है से एंट्री बंद हो जाती है। अगर हम कोई पर्दाफाश करते हैं, अगर हम कोई खुलासा करते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि आम आदमी पार्टी कैसे विदेशी चंदे के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रही थी और विदेशी फंड लेने में कैसे उसने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया है, गलत जानकारियां दी है, अगर हम इसको लेकर अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, हमारे पास सवाल हैं, तो क्या सवाल हम लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों से सवाल ना करें, उनसे सवाल ना पूछें? क्या यही चाहती है मोहित ओम? भाई अभी तो हमने पूरा खुलासा भी नहीं किया है, अभी तो हमने बताया भी नहीं है कि ऑपरेशन ब्लैक डॉलर का पूरा सच क्या है और अभी से इतनी बौखलाहट। रंजीत जी, जो पार्टी सवाल खड़े करके ही पैदा हुई है, जिस पार्टी ने दूसरी पार्टियों पर सवाल खड़े करके ही अपना जन्म लिया है, वो पार्टी सवालों से डरती है। चाहे ऑपरेशन शीश महल की बात करें, ऑपरेशन पाप की बात करें या आज की बात करें, हम जब जब सवाल पूछने जाते हैं हमारे खिलाफ हिंसक कार्रवाई होती है। भावना किशोर को अरेस्ट किया गया, गौरव श्रीवास्तव पे हमला किया गया और आज आकांक्षा खजूरिया पे हमला किया गया। जिस तरीके से हमला करते हैं, जिस तरीके से हरकतें करते हैं, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और सवाल खड़ा क्यों होता है कि जो अपनी महिला सांसद के साथ इस तरीके व्यवहार कर सकते हैं तो वो पत्रकारों के साथ क्यों नहीं करते? हमारा क्या कर रहे हम क्या गलती कर रहे हैं? हम आपके खिलाफ खबर दिखा रहे हैं, खबर आपके खिलाफ नहीं है, जो आपने हरकतें की हैं उसको हम उजागर कर रहे हैं। और जब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप उससे बौखला रहे हैं। और बौखलाहट आपकी कहां निकलती है? आपके नेता तो साइलेंट हो जाते हैं लेकिन कार्यकर्ताओं को आगे करके हमारे रिपोर्टर्स हमारे पत्रकारों को आप बिठवाते हैं। तो ये कहां की वो पार्टी? बिल्कुल आपने सही कहा कि वो पार्टी जो कि दूसरों पे सवाल खड़ा करके ही अपने को जिसने की अपनी अपना मुकाम बनाया, अपनी जगह बनाई, आज वो सवालों से इस कदर डरती है कि हर सवाल के जवाब में वो इस तरीके से हिंसा को इस्तेमाल करती है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को एक तरीके से धक्का दिया गया, उस पर हाथ उठाया गया। जरा देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा हमारा टूट गया, यहां तक कि हमारी महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की गई, उनको गालियां दी गई। आप सोचिए कि एक ऐसी पार्टी जो कि पॉलिटिक्स में शुचिता स्वच्छता की बात करती है, जो बदलाव के एजेंडे के साथ इस देश में आई थी, वो किस हद तक गिर चुकी है। उसके पतन की ये पराकाष्ठा है कि जब जब उससे कोई सवाल किया जा रहा है, अगर उसे जवाब नहीं मिल रहा तो इस तरीके से वो हिंसा को हथियार के रूप में हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हम न पहले डरे थे और न आगे डरेंगे, न हम पहले चुप हुए थे न आगे चुप होंगे। आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की जो हमारी मुहिम है वो जारी रहेगी और उसी के तहत आज हम आपको ऑपरेशन ब्लैक डॉलर का पूरा खेल बताते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे केजरीवाल की पार्टी ने विदेशों से फंडिंग के नियमों में धज्जियां उड़ा दी सारे नियमों की। तो ऑपरेशन ब्लैक डॉलर में आज हम यह खुलासा करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने विदेशों से चंदा बटोरने में कैसे बड़े पैमाने पर घपला किया है, कैसे पार्टी के बड़े नेता विदेशी फंडिंग से मिले पैसों की बंदरबांट करने में लगे थे,
और कैसे विदेशों से मिले ब्लैक डॉलर को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी ने फर्जी जानकारियां पेश की, आइए आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं अब इसके बारे में। तो शुरुआत होती है सुखपाल सिंह खैरा से, जो तब आम आदमी पार्टी के विधायक थे और अब कांग्रेस में है। पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी के मामले में खैरा जांच के घेरे में है। इस मामले में 9 लोगों को कन्विक्शन हो चुका है, उनको सजा हो चुकी है, और इसी सिलसिले में खैरा के ठिकानों की तलाशी ली गई थी। तलाशी में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें फॉरेन फंडिंग की डिटेल्स थी। अधिकारियों ने जब पूछा तो पता चला कि यह फॉरेन फंडिंग आम आदमी पार्टी को की गई, और आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को इसके बारे में पूरी जानकारी है। ईडी ने जब पंकज गुप्ता को बुलाया तो उन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात कबूल ली। गुप्ता ने फंडिंग से जुड़े जो दस्तावेज ईडी को मुहैया कराए उसमें ब्लैक डॉलर के खेल का पर्दाफाश कर दिया, और हम आपको बताते हैं कि यह खेल कैसे चल रहा था। एफसीआरए कानून, जिसके तहत फॉरेन फंडिंग ली जाती है, उसके नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी विदेशी से फंड नहीं ले सकती, उससे चंदा नहीं ले सकती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस नियम की धज्जियां उड़ाते हुए कनाडा के 19 नागरिकों से 51,15,044 रुपए का चंदा लिया। यहां सवाल यह है कि कोई विदेशी नागरिक भारत की किसी पार्टी को क्यों चंदा दे रहा है, उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है, चंदे के एवज में आम आदमी पार्टी ने विदेशियों को क्या वादा किया था, किस आधार पर चंदे लिए गए। आम आदमी पार्टी का अपराध सिर्फ यह नहीं है कि उसने विदेशी नागरिकों से चंदा लिया, चूंकि यह एफसीआरए कानून के खिलाफ है और आम आदमी पार्टी को इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने इस पूरी जानकारी को छिपा लिया। हम आपको इसके कुछ सबूत दिखाते हैं। उनकी उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन यह जानकारी छिपी नहीं रह सकी, और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने इस पूरे खेल को अंजाम दिया। एक दो नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो कि फॉरनर हैं, जो कि विदेशी हैं, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया। उसमें भरपूर सिंह रंधावा एक नाम है। भरपूर सिंह रंधावा ने उनकी ईमेल आईडी हम पूरी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि किसी व्यक्ति को एक्सपोज करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद आम आदमी पार्टी के काली करतूतों का पर्दाफाश करना। हम आपको दिखाते हैं कि इस आदमी ने कितनी बार, 11 बार इस आदमी ने चंदा दिया आम आदमी पार्टी को। तो एक बार हो सकता है कि भूल चूक से किसी विदेशी आदमी ने चंदा दे दिया, हमें पता नहीं लगा, लेकिन अगर वो 11 बार ट्रांजैक्शन कर रहा है, 11 बार पार्टी के फंड में पैसा दे रहा है और वो विदेशी नागरिक है, उसकी पूरी डिटेल पार्टी के पास आती है, तो आखिर पार्टी ने इसे रोकने के लिए या इसे रिपोर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं। इसी ढंग से बलजीत कौर उप्पल, यह भी कनाडाई नागरिक है, इनसे भी फंडिंग ली गई, और एक बार नहीं 15 बार फंडिंग ली गई इनसे। इनसे 15 बार ट्रांजैक्शन हुआ इनके खाते से आम आदमी पार्टी के। उसी ढंग से प्रभजीत कौर विर्क एक और नाम है, यह भी कनाडा की नागरिक, इनसे भी फंडिंग ली गई और इनके भी ईमेल आईडी का हम डिटेल आपको दिखा रहे हैं। इनसे 14 बार फंडिंग ली गई, 14 बार ट्रांजैक्शन किया है इन्होंने, और इसकी पूरी डिटेल जो हमने आपको बताया कि हमारे पास जो डोजियर है, एईडी की का डोजियर है जो उसने गृह मंत्रालय को भेजा है, इसमें पूरी डिटेल है, एक एक डिटेल है। मैं वो सारी डिटेल आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन हम आपको वो बड़े बड़े आंकड़े दिखा रहे हैं। तो ये तो हमने सिर्फ 3 नाम बताए, ऐसे 19 नाम हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की और जिनकी नागरिकता आम आदमी पार्टी को पता थी कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, बावजूद इसके एफसीआरए कानून का कि धज्जी उड़ाते हुए उससे फंडिंग लेना जारी रखा इन्होंने। और ना सिर्फ फंडिंग ली बल्कि उनकी जानकारी बाद में छुपाई भी। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे घपले की अगली कड़ी क्या है। केजरीवाल की पार्टी ने विदेशियों से फंडिंग तो ली ही, उसकी रिपोर्टिंग में भी बड़ा घालमेल किया। ईडी की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी को कनाडा से भेजे गए फंड, जो फंड भेजे गए
उसकी डिटेलिंग जो की गई, उसकी जो डिटेल पार्टी ने रखी है और जो पार्टी ने सबमिट की उसकी डिटेल ईडी को, उसमें बहुत गड़बड़ झाला। यह बात तो हम सबको पता है कि एक आदमी का सिर्फ एक पासपोर्ट हो सकता है। पासपोर्ट किसी आदमी की पहचान का सबसे पुख्ता डॉक्यूमेंट माना जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के डोनर्स की एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में ऐसे डोनर्स हैं जिनके पासपोर्ट नंबर गलत दिखाए गए। एक ही पासपोर्ट नंबर पर 19 लोगों के नाम दर्ज हैं, यानी कि एक ही डोनर, 19 डोनर का पासपोर्ट नंबर सेम है। हम आपको कुछ और वानगी दिखाते हैं, जरा दिखाइए। ये पासपोर्ट नंबर का पूरा पूरा विवरण हमने यहां नहीं दिया, हमने कुछ आंकड़े, कुछ उसके नंबर छुपा लिए, लेकिन ये हमारे पास इसकी पूरी डिटेल है। और इस डिटेल में देखिए कि कैसे 19 बार एक जो पहला पासपोर्ट नंबर है जिसे कि 19 लोगों के अगेंस्ट लिखा गया है, 19 लोगों के नाम असल में वो किसी एक आदमी का होगा, लेकिन वो पासपोर्ट नंबर 19 अलग अलग डोनर्स के सामने दर्ज है और उससे कुल 4,89,950 रुपए की फंडिंग ली गई। उसी ढंग से आप देखिए जो तीसरे नंबर पे है, ये दो लोगों के अगेंस्ट ये पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, इससे 14,45,000 रुपए लिए गए। उसी ढंग से जो चौथे नंबर पर है आप देखिए, उसे 8,45,000 रुपए लिए गए। इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है और ये 2 करोड़ से ज्यादा की रकम आती है ये कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो। सो 2 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग फर्जी पासपोर्ट नंबर दर्ज करके दिखाए गए। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को इसकी जानकारी नहीं है। अगर एक्सेल सीट पे अगर एक डेटा एंट्री की हुई है और सारी डिटेल भरी हुई है तो आप एक क्लिक से जान सकते हैं कि किसी की डिटेल जो है वो डुप्लीकेट तो नहीं है, किसी ने गलत डिटेल तो नहीं डाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे छुपाए रखा। तो आम आदमी की पार्टी की जो फॉरेन फंडिंग थी उसमें एक नहीं, ऐसे सैकड़ों फर्जीवाड़े, सिर्फ पासपोर्ट नंबर ही नहीं बल्कि मोबाइल नंबर भी इसी तरीके से गलत बताया गया, उसमें भी बड़ा फर्जीवाड़ा है। एक एक मोबाइल नंबर पर 8-8 लोगों के नाम दर्ज हैं साहब, कुछ वानगी दिखाइए जरा हमारे पास, जरा देखिए। एक मोबाइल नंबर है 40 और जिसका आखिरी दो डिजिट है 79, ये 8 लोगों के नाम पे दर्ज है एक मोबाइल नंबर, और इससे 7,43,674 रुपए की फंडिंग आई। उसी ढंग से एक दूसरा मोबाइल नंबर है, शुरुआती डिजिट 77 और लास्ट का 75, ये 5 लोगों के नाम पे दर्ज है। आज के दौर में कनाडा में रहने वाले कौन लोग होंगे ऐसे कि एक ही मोबाइल 5 लोग इस्तेमाल करते होंगे। हिंदुस्तान में एक एक आदमी के पास 2-2 मोबाइल नंबर है और कनाडा में 5-5 आदमी पे एक एक मोबाइल नंबर दिखाया गया, ये बात हजम होने वाली है क्या? इसी ढंग से 00097 और लास्ट में 90, इसको देखिए 3 लोगों के नाम पे दर्ज है, इससे भी 5,38,000 रुपए लिए गए। 00018 और 19 लास्ट के 2 डिजिट, इसमें देखिए 27,27,000 रुपए, ये 3 लोगों के नाम पे दर्ज है एक मोबाइल नंबर और 27 लाख की फंडिंग आई। इसी ढंग से 10 लाख की फंडिंग भी ऐसे ही आई है, और अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यह भी एक लंबी करोड़ों की रकम इससे भी इसी तरीके से घाल मिल करके ली गई है। तो जाहिर सी बात है कि देने वाले ने अपना नाम गलत नहीं दिया होगा, उसने अपनी डिटेल गलत नहीं भरी होगी, लेकिन यहां चूंकि छुपाना था कि विदेशी फंडिंग का पूरे खेल का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से घाल मिल करके रखा। तो विदेशी चंदे के खेल में केजरीवाल की पार्टी ने एक से बढ़कर एक तरीका निकाला है झांसा देने का। आपको बहुत सारा चंदा क्रेडिट कार्ड के जरिए भी मिला है, लेकिन यहां भी एक घपला है, एक ही क्रेडिट कार्ड को 6-6 लोगों के नाम पर दिखा दिया गया। जरा दिखाइए, यह भी दिखाइए कि कैसे एक ही क्रेडिट कार्ड, जरा देखिए यह है 4097, एक कार्ड नंबर है, 2 लोगों के
के नाम पे दर्ज है। सोचिए एक ही कार्ड जो है वो दो लोगों के नाम पे कैसे हो सकता है। हर आदमी को अगर कोई आपने कभी कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया होगा तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि एक कार्ड दो लोगों के नाम पे नहीं हो सकता। लेकिन यहां देखिए दो लोगों के नाम पे 16 बार ट्रांजेक्शन किए गए हैं, 3,49,610 रुपए की फंडिंग आई इससे। दूसरा कार्ड देखिए 47 शुरुआती दो डिजिट और 89 आखिरी के दो डिजिट, इसमें कितने 3 लोगों के नाम पे एक ही कार्ड दर्ज है। इससे 15 बार ट्रांजेक्शन किया गया है, 2,84,000 रुपए आए इससे। इसी ढंग से आपके नीचे के दो कार्ड देखिए, इसमें एक कार्ड तो 6 लोगों के नाम पे दर्ज है और दिखाया गया है, दर्ज जाहिर सी बात है कि दर्ज नहीं होंगे लेकिन दिखाया गया है, और उससे 15 बार ट्रांजेक्शन हुआ, 15 बार फंडिंग आई है, 2,97,000, 2,99,000 इसी तरीके से 8 लोगों के नाम पर 8 बार ट्रांजेक्शन किया गया और 3 लोगों के नाम पर दर्ज था एक ही कार्ड जिसका शुरुआती दो डिजिट है 54 और 99 आखिरी दो डिजिट। इस कार्ड से 8 बार फंडिंग की गई और करीब 3 लाख रुपए आए। तो इस तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो एक लंबी फेहरिस्त है कि किस तरीके से फंडिंग की गई। इसी तरीके से ईमेल के मामले में भी खेल दिखता है, यहां भी फर्जीवाड़ा हुआ है। एक ईमेल आईडी पर 35 लोगों के नाम दर्ज है, 35 लोगों के, आप सोचिए जरा, और एक ईमेल आईडी पर 13 लोगों के नाम दर्ज है। देखिए वो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे है जो आप एक जो पहली ईमेल आईडी देख रहे हैं, इसमें 43 लोगों के नाम दर्ज है, 43 लोगों के नाम के आगे यही ईमेल आईडी लिखी हुई है, और इससे 30,88,760 रुपए का इससे चंदा आया है, आप सोचिए जरा। उसी ढंग से दूसरी ईमेल आईडी देखिए, ये जो है इससे 40 ट्रांजेक्शन हुए, 14 लोगों के नाम के सामने यही ईमेल आईडी लिखी हुई है, इससे भी 17 लाख रुपए आए हैं। उसी ढंग से आप देखिए तीसरी ईमेल आईडी, ये इससे 37 बार ट्रांजेक्शन हुए हैं, मतलब 37 बार लोगों ने जब पैसे डाले तो ईमेल आईडी में यही नाम दर्ज कराया, और ये कितने लोगों के अगेंस्ट है, 35 लोगों के। सोचिए जरा कि एक ईमेल आईडी 35 लोग इस्तेमाल कर रहे थे और इससे कितने पैसे आए, 8,98,000, 12 लाख रुपए आए, ये दो लोगों के नाम दर्ज थे एक ही ईमेल आईडी के, 29 बार इससे भी पैसे डाले गए हैं आम आदमी पार्टी को। नीचे आप देखिए एक जो नीचे से दूसरा, इससे 28 बार ट्रांजेक्शन, मतलब 28 बार पैसे डाले गए आम आदमी पार्टी को, यह भी 13 लोगों के अगेंस्ट दर्ज, 13 लोग की एक ईमेल आईडी, जब भी पैसे डाल रहे थे ईमेल आईडी ये लिख रहे थे। क्या 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 घपला चल रहा था, क्या घालमेल चल रहा था, ये क्या किसी के समझ से परे की चीज है, क्या ये ऐसी बात है जो समझ में नहीं आती, क्या आम आदमी पार्टी के लोग जब उनके पास डिटेल आ रही होगी तो क्या उन्होंने इसको नहीं देखा, और उन्होंने देखा तो इसे रिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्या घपला चल रहा, क्या गड़बड़झाला चल रहा। और इसीलिए हम आज ये सवाल पूछ रहे हैं मूड मीटर में, ये हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, हम आज सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, आज हम आपसे 3 सवाल 5 सवाल नहीं करना चाहते, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि इस पूरे जो ब्लैक ऑपरेशन ब्लैक डॉलर का जो हमने नाम दिया, ये इस खुलासे से आपको क्या पता लगता है, क्या साबित होता है, ये सवाल है। सवाल के ऑप्शंस क्या हैं वो हम अभी आपको दिखाएंगे। आप ये जो आपके स्क्रीन पे जो QR कोड दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके सामने वो सवालों की लिस्ट खुल जाएगी, और आज एक ही सवाल है, लिस्ट नहीं कहेंगे हम, एक ही सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिए और उस सवाल के ऑप्शन क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, एक बार सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, रमणीक सिंह मान हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आकाशदीप मुनि और रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि श्रीवास्तव जी, भाई आज तो सवाल हम ब्लैक डॉलर के बारे में, ऑपरेशन ब्लैक डॉलर को लेकर पूछना चाहते थे, हमें पूछना चाहते थे कि ये विदेशी चंदे के नाम पर किस तरह का घपला चल रहा है। आम आदमी पार्टी का कोई एक खाता तो होगा, कोई एक काम तो होगा जिसमें कि घपला ना हो, जिसमें कोई घोटाला ना हो, लेकिन वो सवाल मैं पूछूं उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हर सवाल के जवाब में आम आदमी पार्टी उसका जवाब हिंसा के जरिए देना चाहती है? आपसे हर बार जब सवाल होगा तो उसके जवाब में आप डंडा उठा लेंगे, आप जेल में डाल देंगे हमें?
देखिए, जहां तक सवाल आम आदमी पार्टी का है, तो अरविंद केजरीवाल ने कल ही कहा है और आज संजय सिंह ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को न सिर्फ खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को जान से खत्म करना चाहती है। ये आज का स्टेटमेंट है और ये अरे बड़ा भारतीय जनता गंभीर पार्टी की बात कहां स्टेटमेंट से आ है, मुझे गई पता रवि नहीं कि इसके श्रीवास्तव? ऊपर आपका रवि क्या है, श्रीवास्तव, सुन भारतीय लेना जनता पार्टी की चाहिए। बात कहां से आ गई? अभी तो हमारी बात हो रही है, मैं तो अपनी बात पूछ रहा हूं कि हाँ, मैं जब भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा कोई आपकी खुलासा बात का होता भी है, जवाब दे रहा कोई हूँ, सवाल आपकी लेकर हम बात का जाते भी हैं, जवाब दे रहा आम हूँ। आदमी पार्टी के देखिए, लोग या तो डंडा लेकर आ जाते हैं, हथकड़ी आपने लेकर आ स्वयं ही जाते हैं, कहा कि पता ये नहीं कल को क्या सारी लेकर आ जाएंगे। जानकारी और आपको, अरे भाई मैं जवाब दे दूँ या आप ही बोलते रहोगे? अरे आप जवाब ही नहीं दे रहे ना रवि श्रीवास्तव, आप मैं जवाब ही बोल नहीं दे तो रहे। रहा हूं भाई, मैं पूछ आप रहा हूं इतनी कि भाई बेचैनी आप में, सवाल के जवाब में आप हथियार इतना उठाने बेचैनी लगेंगे में क्या अब हो हमारे कि खिलाफ? आपको जवाब जवाब से पहले ही सवाल करने लगते हो आप। आप भाई जवाब तो आप देने दो बीजेपी का ना। सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं तो अपनी सवाल अपनी बात पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, इसमें मुझे कोई, जो आप ऑपरेशन ब्लैक डॉलर करके चला रहे हैं, ये पूरा का पूरा फर्जी और फेक है, क्योंकि पंकज गुप्ता ने ही आपको ये डॉक्यूमेंट दिए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये डॉक्यूमेंट दिए गए, इसलिए पार्टी ने आप किसी से कुछ नहीं छुपाया। दूसरा, जो ट्रांजेक्शन हुई है, मोबाइल नंबर ऑन रिकॉर्ड है, ईमेल ऑन रिकॉर्ड है, पासपोर्ट के नंबर ऑन रिकॉर्ड है, ये हाँ तो वही तो सरकार का फर्जी काम वाला है दिख रहा कि है, ढूंढे जा वही फर्जी करके वाला तो ये दिख रहा है किसने उसमें। पेमेंट की है और कितनी पेमेंट की है, इसमें गलत कहाँ हो गया, ये ब्लैक कहाँ से हो गया? अरे भाई, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ना, और रिकॉर्ड पैसे आए हैं ना, तो इसमें गलत कहाँ से हो गया? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन, रवि कोई ऑनलाइन श्रीवास्तव, रवि ट्रांजेक्शन करता श्रीवास्तव, है तो लेने वाला और देने वाला दोनों का कोई नाम मालूम पॉलिटिकल है? पार्टी क्या विदेशियों से चंदा ले सकती है क्या? चंदा ले सकती है क्या? अगर नहीं सकती तो 51 लाख रुपए आपने विदेशियों से क्यों लिए? किस हर आधार पे पार्टी के लिए? पास, क्या हर वादा पार्टी के किया उन पास विदेशियों में, को? या उन विदेशियों ने हर क्या पार्टी के पास आपको चंदा आता है भाई, क्या डिमांड की चंदा थी जिसके लेकर क्या आधार पे होता है? आपको 51 लाख रुपए का चंदा दिया उन्होंने? भाई हर पार्टी के एफसीआरए का पास कानून डोनेशन कहता आता है है, कि ये कोई कोई नई पॉलिटिकल बात पार्टी नहीं है। विदेशियों से चंदा नहीं ले आज तक सकती, लेकिन आपने आपने लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एक भी डिबेट नहीं करी रंजीत कुमार जी, अगर करी हो तो मुझे बता दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड 8,500 करोड़ रुपए के भाई कैसे आप जमा उस सवाल हुए का जवाब भारतीय नहीं जनता पार्टी देंगे के जो द्वारा, मैं उस पर पूछूंगा। आपने आज तक डिबेट नहीं की है। आप ये लेकर आएंगे अपना अपना एजेंडा कि मैं इस बारे में बात करना चाहता अरे हूं। भाई, मेरा तो मैं एजेंडा कह नहीं रहा है, हूं मैं कि तो इतना ये बड़ा कह रहा हूं खुलासा आपसे हमने कि हर किया, चीज मैं रिकॉर्डेड उससे है, रिलेटेड आपसे हर एक चीज सवाल कर रहा का हूं जिसका जवाब आप नहीं दे रहे। आपको सोर्स मैं पूछ मालूम रहा हूं है कि भाई कि ये विदेशियों से देश चंदा से किस आया आधार पे पैसा लिया या आपने? ये क्या पैसा आपको पता नहीं था या पैरोमोबाइल से जानबूझ के आया, कि जानकारी ये छुपाई? पैसा पासपोर्ट नंबर के साथ आया, तो आप उसे ट्रेस करिए, ये तो सरकार का काम है ना, करे ट्रेस। आकाशदीप मुनि, आकाशदीप मुनि, हाँ जी, मैं मैं आपके आपसे सारे जानना हवाले चाहता हूं जवाब कि दूंगा। आम आदमी पार्टी को विदेशियों से चंदा आ रहा था, किस आधार पे विदेशियों से चंदा आ रहा था? भाई कोई विदेशी आदमी इस देश की पार्टी को चंदा क्यों देगा? रंजीत जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। शराब घोटाला और स्वाति मालीवाल प्रकरण के फेल होने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी नया मामला लेके आई ना, कल और नए मामले आएंगे, ये लास्ट नहीं है, ये अगले 4 दिन में और नए मामले आएंगे। इससे ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है दिल्ली और पंजाब में। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जनता का बहुत बड़ा रोष है। ईडी, ये ईडी का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। आपको याद होगा, ये बहुत पुराना मामला है, जिसमें कि भारत आम आदमी पार्टी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एमएचए, इलेक्शन कमीशन और इवन भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, इन दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दिया था। हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मामला लेके आती है, अगले 4 दिनों में और मामले आएंगे। आपको याद अरे होगा भाई कि ना, कि मामले अभी आएंगे, देखिए, छोड़िए ना, मैं तो कह रहा हूं कि जो मामले आए हैं क्या सब फर्जी हैं क्या? जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो गलत है क्या? और जो सवाल पूछे जाएंगे हाँ तो आप गलत उन है। डंडे बरसाएंगे क्या? हमें जेल में डाल देंगे क्या? सवाल ये है ना आकाशदीप मुनि, अब आपने सवाल चेंज किया, मैं जवाब देता हूँ इस पे। मैंने कोई सवाल नहीं आपका चेंज किया। सबसे नहीं, आपने बुनियादी ईडी सवाल यही है पे, और नहीं शुरुआती सवाल यही है जिसका जवाब ना डंडे रवि पे आ गए श्रीवास्तव ना। देना चाहते हैं और ना आप दे रहे हैं। हाँ, मैं देता हूँ, मैंने पहले सवाल का भी जवाब दिया, इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। आपने, आपके रिपोर्टर ने दिल्ली पुलिस में कंप्लेन की है, और लेट द इन्वेस्टिगेशन गो ऑन, आपको वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन का, प्री बैरिकेड करने से नहीं होगा। पर बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि ना, कि और आज जो एक नया तस्वीरें आरोप दिख रही लेके है आई है भारतीय आपके जनता पार्टी, और आपके पीछे में आपके और बड़ा पार्टी के आरोप लेके मीडिया आएगी। कोऑर्डिनेटर
चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर की जो बदसलूकी दिख रही है वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो जो कैमरे पे दिख रहा है उसका उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप जो भी कैमरे पे दिख रहा है उसका मतलब है, आप एविडेंस के तौर पे इसको दिल्ली पुलिस को दीजिए, उसको कार्रवाई तो करने दीजिए। अगर कोई, अगर वो मीडिया कोऑर्डिनेटर गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर आज आज सबसे बड़ा मामला ये है कि ना कि नहीं, वो बड़ा मामला ये है कि क्या आपसे सवाल पूछा जाएगा तो सवाल के जवाब में आप थप्पड़ चलाएंगे क्या, सवाल के जवाब में आप गालियां देंगे क्या? सवाल ये है, आकाशदीप मुनि, मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि नहीं, कैसे राजनाथ सिंह जी ने, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, आपने कोट नहीं किया, थोड़ा सा आप कोट कर लीजिए और ये पता कर लीजिएगा, राजनाथ सिंह जी ने होम मिनिस्ट्री के थ्रू एफिडेविट में फरवरी 2015 में हाई दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जमा किया था। उस एफिडेविट के मुताबिक क्या उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट में कि नथिंग हैज बीन फाउंड अगेंस्ट आम आदमी पार्टी एंड इट्स प्रोब रिगार्डिंग एलिगेशंस दैट इट हैड रिसीव्ड ऑफशोर फंडिंग इन वायोलेशन ऑफ एफसीआरए प्रोविजंस। ये किसके सामने किया था, चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस आर एस एंडिया, इनके सामने कहा था। उसके बाद अरे भाई, आपके पास जो भी जवाब है, जो भी जवाब है राकेश, आकाशदीप मुनि, उसका जवाब कैमरे पे दिया जाना चाहिए ना, और उसका जवाब बातों से दिया जाना चाहिए ना, कि इस तरीके से आप गाली गलौज करेंगे, वो भी हमारी महिला रिपोर्टर के साथ। पहले आपने एक महिला रिपोर्टर को जेल भेजा जिसपे कि आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, जिसमें कि मामला खारिज हो गया आपके मुंह पे तमाचे की तरह है, उसके बावजूद भी आप नहीं सुधर रहे। आपने आज एक और महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की, उसको गालियां दी, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट का कैमरा तोड़ दिया, उसके साथ धक्का मुक्की की, ये तस्वीरें गवाह है आकाशदीप मुनि। क्या आम आदमी पार्टी से जब सवाल किया जाता है तो उसका क्या जवाब होता है और वो किस भाषा में जवाब देना पसंद करती है? शलभ पंडित त्रिपाठी, हम एक नहीं ऐसी तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक नहीं तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस बात की गवाही दे रही है कि आम आदमी पार्टी जो सवाल खड़े करने के लिए जानी जाती थी, जिसने सवाल कर के ही अपना मुकाम बनाया, जो ऐसा कह रही थी कि वो जब आ जाएगी तो इस देश के सारे सवालों का हल लेकर आएगी, वो आज एक छोटे छोटे सवाल पे इस तरीके से बिफर पड़ती है, आपा खो बैठती है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि केवल आप ही नहीं, केवल हम ही नहीं, पूरा देश अचंभित है कि जिस प्रकार से, मुझे लगता है कि इतनी तेजी से तो शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा, जिस प्रकार से आंदोलन, तथाकथित आंदोलन से जन्मी एक पार्टी थी जो कहती थी कि लालू प्रसाद यादव चोर हैं, राहुल गांधी चोर हैं, दुनिया के सारे नेता चोर हैं, किसी पे इल्जाम लगे तो तत्काल जेल में ठूस दो, किसी पे आरोप लगे तो तत्काल स्पीडी ट्रायल कराकर उसको सजा कर दो। आज उस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि साहब अभी तो मामला अदालत में गया है, अभी तो कोर्ट में ये एफिडेविट दिया गया है। उस पार्टी के लोग जो कि 225 कोई 2-4-10 नहीं 175 के करीब मोबाइल डिस्ट्रॉय किए गए और इसका जवाब नहीं दे पाए कि 175 मोबाइल आपको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत क्यों पड़ी। इनके मनीष सिसोदिया जी जेल के भीतर हैं, जेल से इनको राहत नहीं मिल रही। अभी संजय सिंह जेल काट के जमानत पर आए हैं, उसके पहले सतेंद्र जैन जेल काट के जमानत पर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी कंडीशनल जमानत पर है। जहां सोचिए कि लोग तो इस बात से अचंभित हैं और इस देश में आगे चलकर क्या कोई कभी कोई इस बारे में आंदोलन का जिक्र कर पाएगा। जो व्यक्ति ये कहता था रंजीत भाई, आपको याद होगा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा, कभी कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो व्यक्ति न सिर्फ उसने शीश महल बनवाया करोड़ों का, न उसने पूरा ताना बाना बुरा कि उनको सिक्योरिटी मिले पंजाब से लेके दिल्ली के भीतर मिले, उन्होंने पूरी की पूरी वंशवादी पॉलिटिक्स को गालियां दी, राहुल गांधी से लेके, सोनिया गांधी से लेके, लालू प्रसाद यादव से लेके, न जाने किनको किनको, संजय सिंह भाषण देते थे तो बकायदे पुश्तों का जिक्र करते थे कि साहब फला का बेटा फला, फला का बेटा फला, फला की पत्नी फला, और सुनीता केजरीवाल जी को लाके लॉन्च कर दिया। और लोकतंत्र की बात करते मतलब सोचिए लोकतंत्र इनको आवाज दी भाई, वादा खिलाफियों की एक 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 छोटी सी लिस्ट हो तब तो, इतनी लंबी लिस्ट है सलव की, अगर आप अगर जिक्र करने लगेंगे तो पूरा का पूरा शो निकल जाएगा उस। मेरा भी, मैं तो ये कह रहा हूं कि लेकिन ठीक है, आपने जो कहा और जो आप कर रहे हैं ये सब आपने जनता के सामने कहा था और जनता के सामने ही ये सब हो रहा है, सबकी गवाह इस देश की जनता है, वो सब देख रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से हर सवाल के जवाब में लाठी उठा लेना, जेल भेज देना, गाली गलौज करना महिला रिपोर्टर्स के साथ, महिला संवाददाता के साथ,
इससे ज्यादा पतन की पराकाष्ठा और क्या होगी रमणीक सिंह मान? इससे ज्यादा और पतन क्या देखेंगे हम आम आदमी पार्टी का? मैं ये समझता हूं रंजीत जी के जो सूरत हाल आप राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, हकीकत ये है कि जब इनके पास तर्क नहीं होता, जब इनके पास उत्तर नहीं होते, तो इस तरीके के जो कृत्य हैं, इस तरीके के जो काम है वो आपको नजर आते हैं कि जहां ये मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, जो चौथा स्तंभ माना जाता है भारतीय डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर सीधा आघात करते हैं। और वो पहला नहीं है इंसिडेंट, ऐसे अनेकों इंसिडेंट्स हैं। स्वाति मालीवाल का किस्सा ले लीजिए, या जो धक्का मुक्की योगेंद्र यादव के साथ की गई वो ले लीजिए, या जिस तरीके से इन्होंने हर बार छीटा कशी की राजनीति, शूट एंड स्कूट की राजनीति, आपको पता नहीं ध्यान में है या नहीं पर मैं आपको गिनवा सकता हूं। यही अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर जब चुनाव में आते हैं तब ये उस वक्त के अकाली दल के एक बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं और बहुत संगीन आरोप लगाते हैं, और उसके बाद ये माफीनामा अपना देते हैं। फिर ये केंद्र के मंत्री, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, इस समय हमारे एक कार्यक्रम में हरदीप सिंह पुरी बोल रहे हैं इसी मुद्दे पर, जरा सुनिए। बाहर प्रचार भी करते हैं, कह रहे कोई मिसबिहेवियर हुआ, फिर वही आदमी चुप हो जाता है। आप संजय सिंह की बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी है कि अब तक जो पुलिस की तरफ से आया है सीसीटीवी फुटेज नहीं है, फोन फॉर्मेट हो गए हैं, फुटेज गायब है या टेम्पर्ड है, दिस इन एंड ऑफ इटसेल्फ शुड बी अ सीवियर इंडाइटमेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी। या आप तो ये कहिए कि सीसीटीवी कैमरा थे नहीं, या आप ये ऑफ थे, अरे भाई है सीसीटीवी कैमरा, पर वो जो बाहर भी आ रही हैं उस शॉट में देखा है, देयर इज अ पुलिस वुमन होल्डिंग हर विद ग्रेट फोर्स, शी सेज गेट्स रिड ऑफ इट, ऑल द एविडेंस पॉइंट्स। तो हरदीप सिंह पुरी से यही सवाल हो रहा था और उसका क्या जवाब था, हालांकि हम लोग थोड़ी देर से आए सो उनका पूरा जवाब नहीं सुन पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो कहा है वो हम आपको सुनवाएं। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि अभी हमने जो ऑपरेशन ब्लैक डॉलर में जो कुछ दिखाया, जो कुछ बताया, वो सच का एक छोटा हिस्सा है। ये सिर्फ 7 करोड़ रुपए का मामला है अभी तक हमने जितना डिटेल दिखाया है। अभी पूरी जांच होनी बाकी है और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की जा चुकी है। उससे जो विदेशी फंडिंग उसे हुई है करीब 16 मिलियन डॉलर की, करीब 143 करोड़ रुपए की जो फॉरेन फंडिंग हुई है, विदेशी चंदा आया है, उसमें इसकी भी जांच की जा रही है कि इसे फंड करने वाले लोगों का मकसद क्या था, उसका खालिस्तानी कनेक्शन था कि नहीं, और इसके पीछे किस तरह की उम्मीद की जा रही थी केजरीवाल सरकार से, किस तरह के वादे किए गए थे केजरीवाल की तरफ से खास करके खालिस्तानियों को। यह एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच की जा रही है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, यह देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि अगर कोई विदेशी किसी देश की, भारत की पार्टी को अगर फंड कर रहा है तो उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल है रवि श्रीवास्तव, जाहिर सी बात है इसका फिर से आप जवाब नहीं देंगे। देखिए, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो बहुत पुराना है और जैसा मेरे एक और पुराना हो जाने से उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाती, उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाती पुराना हो जाने से। और ये जो मैं कह रहा हूँ एक खुलासे नए हैं, आप बताइए कि इसके पहले कहीं ये बात कहीं कही गई हो, कहीं छपी हो, किसी ने दिखाया हो, किसी ने बताया हो, आप बताएं। ये आपका एजेंडा है और ये नई बात नहीं है, ये आप मुद्दत से करते आ रहे हैं, मगर इस बार दिल्ली की जनता आपको जरूर जवाब देगी और आपका निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा जो उखाड़ा हुआ एक मुद्दा है इसको खारिज करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं और कैसे पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। जब से ऑपरेशन शीश महल भी हमारा एजेंडा है, 45 करोड़ का बंगला बनाया केजरीवाल जी ने, अभी आप 4 दिन उसमें 4 लाख के कमोड लगाए केजरीवाल जी ने, 8 लाख के पर्दे टांगे केजरीवाल जी ने, और एजेंडा हो गया हमारा शाम को 25 तारीख को, उसके बाद आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। भाई जो इस देश की जनता जो कहेगी, भाई हम चुनाव के लड़ने के धंधे में नहीं है रवि श्रीवास्तव, चुनाव आप लड़ रहे हैं,
जनता आपको जवाब देगी। हमारा काम, हमारा काम सच को दिखाना है, हमारा काम, हमारा काम वो प्रासंगिक सवाल लेकर आना है जो पूछे जाने चाहिए, हर हाल में पूछे जाने चाहिए। हम वो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसका जवाब जेल से देना चाहते हैं, आप दीजिए। उसका जवाब गाली देकर देना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। उसका जवाब डंडा से आप देना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं होगा, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। रमणीक मान, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं कह रहा हूं कि भाई हर सवाल के जवाब में ये जो डंडा चलाने वाली, ये जेल में भेजने वाली, धमकी देने वाली और कई तरह के हथकंडे अपनाने वाला जो पूरा प्लान है और ये जो पूरा तरीका है आम आदमी पार्टी का, क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी एक्सपोज होते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता? इसके अंदर ना एक पैटर्न है, वो पैटर्न मैं आपको बताता हूं। आप बड़े गौर से देखिएगा कि 2017 का पंजाब के चुनाव का जब कैंपेन उफान पे होता है, उस वक्त अरविंद खुद पंजाब के मोगा के अंदर एक नॉन खालिस्तानी जो KLF खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष रहा है, उसके घर पे आकर रात को रुकते हैं। और वो सिलसिला वहां नहीं थमता। आम आदमी पार्टी के कई आला नेता जब कनाडा जाते हैं तो कनाडा के अंदर वो जो नॉन खालिस्तानी फिगर्स हैं उनसे उनकी मुलाकातें होती हैं, उनके साथ उनके मीटिंग्स होते हैं, उनके साथ उनके लंच डिनर और उनके घरों पे स्टे होते हैं। अब जो फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुलतार सिंह संधवा, जो पंजाब की असेंबली के स्पीकर हैं, ही इज ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो शख्स कनाडा जाते हैं, वो खालिस्तानियों से मिलते हैं। और उसके बाद एक सिलसिला और आता है कि कनाडा के अंदर एंटी इंडिया प्रो खालिस्तान जो मूवमेंट है वो गति पकड़ती है। और गुरपतवंत पन्नू ऑन रिकॉर्ड आके बोलते हैं कि 16.7 मिलियन डॉलर उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलग अलग समय पे फंडिंग करी है। तो ये ना सिर्फ ब्लैक डॉलर है, ये ब्लैक मनी भी है, ये ब्लड मनी भी है और ये ब्लड डॉलर भी है। इसके इन पैसों के ऊपर या इन डॉलरों के ऊपर किस किस के खून से ये डॉलर सने हैं, इस बात का हमको ज्ञात नहीं है। अभी NIA की तफ्तीश होनी बाकी है, जब पता लगेगा तो इस बात को भी, जब इतने अच्छे से इतनी खूबसूरती से जब रवि श्रीवास्तव जी ने और मुनि साहब ने, काशदीप जी ने इस बात को कहा कि जी सारा एक नंबर का पैसा है, तो बताइए आप वो 16.7 मिलियन डॉलर जो 143 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी में होते हैं, वो 16.7 मिलियन डॉलर का आपने क्या किया? उसका मनी ट्रेल बिल्कुल ठीक का श्रीवास्तव जी ने इसकी जांच की होगी। क्या किया से ज्यादा सवाल है कि वो किस वजह, किस एवज में दिए गए? क्या आपने कहा था, क्या आपने प्रॉमिस किया था जिसके एवज में आपको 143 करोड़ रुपए? कोई आदमी आज की तारीख में 143 रुपए किसी को देने को तैयार नहीं है साहब। अगर किसी पार्टी को 143 करोड़ मिल रहा है तो कुछ तो बात हुई होगी ना, वो भी विदेशों से, ये सवाल है ना। मैं कह रहा हूं कि उसी में, उसी कड़ी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जोड़ना चाहता हूं, इसी कड़ी में एक इंटरेस्टिंग बात जोड़ना चाहता हूं मैं, कि जिस समय ये फंड रेजिंग का काम चल रहा था, तो ये देखिए 2016 की बात है, 2016 में ऐसे ही एक फंड रेजिंग इवेंट के लिए कुमार विश्वास और अनिकेत सक्सेना, इन दोनों के बीच में एक बातचीत हो रही है, एक ईमेल है जिसकी डिटेल हमारे पास है, ये इसी डोजियर का हिस्सा है। और इसमें क्या लिखा गया है, इस पैसे का आपने पूछा ना रमणीक जी कि पैसा क्या हो रहा था, क्या खेल हो रहा था, उसका एक छोटी सी उसकी बानगी दिखाता हूं मैं। सो 2016 में ये जो बातचीत है, जो ईमेल है, वो दुर्गेश पाठक और कपिल भारद्वाज के बारे में है। दुर्गेश पाठक के बारे में बता दूं कि वो भी आम आदमी पार्टी के MLA हैं और कपिल भारद्वाज आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं। तो इनके बारे में ये कह रहे हैं अनिकेत सक्सेना कि भाई $29,000 हमें कहा जा रहा है कि हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो। करीब 14 लाख रुपए दुर्गेश पाठक ने कहा कि आप हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो। अनिकेत सक्सेना ने पूछा कि भाई मैं क्यों ट्रांसफर कर दूं, ये पैसा तो पार्टी का पैसा है। तो उसने कहा कि नहीं, चाहे जो हो तुम पैसे ट्रांसफर करो। तो इस पर अनिकेत सक्सेना ने कहा कि भाई बाद में जांच में चीज आएगी और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसका जवाब देना भी हमारे लिए, क्योंकि ये विदेशों से फंडिंग हो रही है और विदेशों से पैसा आपके अकाउंट में जाएगा तो इसको लेकर सवाल होंगे। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग, एक देखिए कोट किया गया है, तो उस पर वो कहते हैं कि अनिकेत सक्सेना ने लिखा है कुमार विश्वास को, ईमेल लिखा है बाकायदा, और उन्होंने कहा कि जो दुर्गेश पाठक का जवाब था उससे मैं हैरान हो गया, मैं शॉक्ड था। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम जेल नहीं जाएंगे, जेल जाना होगा तो पंकज गुप्ता जाएंगे, हम नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अब आप देखिए कि जो पैसा जो आ रहा था फंड रेजिंग में,
वो सीधे उसकी बंदरबाट भी चल रही थी। तो ये जो विदेशी फंडिंग जो हो रही थी उस पर कैसे गुलछर्रे उड़ाए जा रहे थे, ये उसकी एक वानगी है। आपने कहा ना कि ये जो 16 मिलियन है उसका क्या हुआ, तो बहुत सारी चीजें हुई होगी जाहिर सी बात है, लेकिन ये सब काम भी चल रहा था और ये भी अब जांच का हिस्सा है। शलभमणि त्रिपाठी, इस तरीके से एक आम आदमी पार्टी, भाई आप इससे, एक छोटी सी घटना है लेकिन इससे पता लगता है कि इस पार्टी के लोगों का कैरेक्टर क्या है, इस पार्टी के लोग जो कि शुरुआती जो सो कॉल्ड फाउंडर मेंबर है वो किस तरीके से सोचते रहे हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते रहे हैं, जरा उसकी एक छोटी सी वानगी हमने आपको दिखाई। रंजीत भाई, बहुत अच्छा तैराक ही कई बार डूबता है, उसको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा तैराक हूं, मैं तो डूबूंगा नहीं, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं, रिटायर, मतलब उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली, वो IRS ऑफिसर रहे हैं। उनको ये लगता था कि ये चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, ये चोरी कहीं किसी की नजर में नहीं आएगी, और यही कारण रहा कि शराब का घोटाला किया तो उनको लगा कि इसको पचा ले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पकड़े गए। उसके बाद और सारे घोटाले किए, वो भी पकड़े गए। विदेश से फंडिंग ली, इतने तरह के उसमें तमाम जुगाड़ किए कि कहीं से कोई नाम ना आवे, लेकिन आप देखिए सारा कुछ एजेंसियों ने निकाल के रखा है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा कि इतना तगड़ा इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, तो ये एक पूरा ये ब्लैक मनी के तौर पर, ब्लैक डॉलर के तौर पर ये सारा इनका कच्चा चिट्ठा निकल के सामने आ चुका है। मैं तो सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि भाई चलिए आपको भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी हो सकती है, आपको कांग्रेस से दुश्मनी हो सकती है, आपको देश से किस बात की दुश्मनी? बिल्कुल, और आप कहते हैं पैसे का उपयोग कहां हुआ? बिल्कुल बड़ा सवाल है, हमारे पास वक्त की कमी है। मैं कहूंगा इस पूरी परिचर्चा, इस पूरे बहस के उपसंहार के तौर पर मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान सुनाना चाहता हूं। ये बयान आप सुनिए, और जो हमने खुलासा किया आज ब्लैक डॉलर में, इन दोनों को जरा एक दूसरे के बरक्स रख के, एक दूसरे के आमने सामने रख कर देखिएगा और सोचिएगा कि वो आम आदमी पार्टी जिसे आपने एक इस देश में बड़े विकल्प के तौर पर देखा था और वो आज कहां पहुंच चुकी है। वो जरा बयान सुनाइए और जो हमने कहा है वो जरा याद रखिएगा ये बयान सुनते वक्त। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। तो ये हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। आपने सुना ईमानदारी को लेकर, कट्टर ईमानदारी नया शब्द इन्होंने याद किया था, लेकिन आज जो खुलासे हो रहे हैं और आज जो तस्वीरें देख रहे हैं उन दोनों को देखिए और समझिए कि उस पार्टी ने जहां से शुरू किया था और आज जहां पहुंच गई है उसमें क्या फासला आ चुका है। तो देश के मूड मीटर में आज इतना ही। अब वक्त है कि हम जल्दी से आज के जो हमारे 4 लकी वोटर हैं उनके नाम अनाउंस कर दें। अरविंद कुमार दिल्ली और निहारिका उत्तर प्रदेश की हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 अंक जो है हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इसके अलावा कमलेश सोनी गुजरात और जयश्री चौरसिया मध्य प्रदेश की हैं। इनके मोबाइल का भी आखिरी 4 डिजिट हमारे स्क्रीन पे है। तो इनको मिलता है आज मूड मीटर की तरफ से इनाम। आज हमारे पास वक्त इतना ही था, हमें दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे।